नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिप्स टू रिमेंबर। टोटल प्लेयर इन टीम 12 प्लेयर, 5 फील्ड प्लेयर एंड 7 सब्स्टिट्यूट प्लेयर। चेस नंबर ऑफ प्लेयर 4 to 15। फीबा रूल, फीबा रूल के अकॉर्डिंग जो चेस नंबर होते हैं वो आपके 4 to 15 होते हैं। एनी टू डिजिट नंबर, यानी कि जो एनी टू डिजिट होती हैं वो NBA के अकॉर्डिंग होती है। फीबा फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। एरिया ऑफ कोर्ट 28 मीटर लेंथ, 15 मीटर ब्रीथ इंक्लूडिंग लाइन 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर सेफ्टी जोन ऑन ऑल साइड, यानी कि जो ग्राउंड के बाहर का जो सेफ्टी जोन होता है आपका 2 मीटर का होता है आपका, और जो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये जो मार्किंग लाइन होती है हमारी वो 5 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी लेंथ एंड ब्रीथ कितनी होती है 28 मीटर to 15 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल, जो मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, रेडियस सर्कल होता है जो रनिंग रेडियस या मार्किंग रेडियस जो आपका होता है वो आपका कितना होता है 1.80 मीटर, यानी कि 180 मीटर, 1.80 मीटर। हाइट ऑफ बोर्ड, सरफेस से हाइट जो बोर्ड की होती है वो कितनी होती है आपकी 2.90 मीटर, 2 मीटर 990 सेंटीमीटर की सरफेस से हाइट होती है बैक बोर्ड की आपकी, बोर्ड की जिसको हम रिंग भी बोलते हैं, बैक बोर्ड, जो बैक बोर्ड होता है आपका, बैक बोर्ड का जो डिमेंशन होती है बैक बोर्ड की वो 180 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 105 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ होती है। 120 सेंटीमीटर इनसाइड द एंड लाइन, जो 120 सेंटीमीटर का मतलब होता है जो आपका बोर्ड है वो एंड लाइन के अंदर होता है 1.20 सेंटीमीटर का। डायमीटर ऑफ रिंग, यानी कि रिंग की जो गोलाई होती है जिसमें हम बास्केट करते हैं वो 45 सेंटीमीटर की होती है। सर्कोफ्रेंस ऑफ द बॉल, गोल की परिधि गोलाई 75 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर मैन के लिए। ये अभी एक डाउट आया था कि मैं ये M और W, ये होता है मैन और वुमेन। साइज नंबर 7 72 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर वुमेन के लिए होती है। नेक्स्ट आपकी वेट ऑफ बॉल, वेट ऑफ बॉल होती है आपकी 60 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम प्लस माइनस का मतलब होता है 625 ग्राम भी हो सकती है और 60 ग्राम भी होती है मैन के लिए, 550 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम वुमेन के लिए। बाउंस शुड बी अबाउ 1 मीटर इफ ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मीटर टू चेक एयर प्रेशर। जब हम बाउंस चेक करते हैं तो हम चेस्ट लेवल से उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं बॉल को, जो कि 1 मीटर में या 1.5 मीटर में बॉल बाउंस करती है, तो इससे हम एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ गेम 40 मिनट्स, जो आपने पहले अभी पढ़ा है 40 मिनट्स इन 4 क्वार्टर 10 मिनट्स ईच, एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट्स का, रेस्ट टाइम इन बिटवीन 2 to 5 मिनट्स बिटवीन 1 to 3 4 क्वार्टर 5-10 मिनट्स इन हाफ, नेक्स्ट टाइम आउट 1 मिनट्स। ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन कौन से होते हैं, 1 रेफरी, 1 एम्पायर, 1 स्कोरर, 1 असिस्टेंट स्कोरर, 1 टाइमकीपर, 1 24-second operator। 1 24-second operator का मतलब है जो आपका 24-second रूल है उसको फॉलो करता है ये 24-second operator, अलग से ऑपरेटर है ये टाइमकीपर नहीं करता इस चीज़ को, ये 24-second operator करता है, 1 table commissioner। ओके, अब आते हैं आपके मैच इक्विपमेंट। मैच इक्विपमेंट में 2 or 3 standard specific बास्केटबॉल, 1, 2, 3 बास्केटबॉल होती हैं टेबल पे, 1 game clock होती है, 4 overall game duration, यानी कि जो गेम क्लॉक होती है आपकी प्लेइंग टाइम की वो होती है, 1 stopwatch होती है, 24 second अलार्म होता है, अलार्म और बेल होती है, विसल, 2 team foul इंडिकेटर होते हैं, कोई भी फाउल करता है किसी भी टीम का तो उसमें इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, नंबर मार्कर होते हैं, 2 free throw flag होते हैं, 1 to 5 number पर्सनल फाउल कार्ड होते हैं, किसी भी कोई भी प्लेयर पर्सनल फाउल करता है किसी वजह से तो उसको कार्ड जो रेफरी शो करता है, थ्रो इन इंडिकेटर होता है, स्कोर शीट, स्कोर बोर्ड। ओके, ये आपका हो गया टिप्स टू रिमेंबर। ओके, थैंक यू सो मच।